हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आज हम बताएंगे आपको नेक्स्ट सीरीज जो आपको है 81 से क्वेश्चन नंबर डिस्कशन करेंगे। इसे पिछले सीरीज में हम डिस्कशन कर चुके थे, आपको 80 क्वेश्चन तक जो है डिस्कशन कर चुके हैं। ये ऑब्जेक्टिव का सीरीज चल रहा है जो बिहार बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए 10th क्लास मैथमेटिक्स का जो है ये ऑब्जेक्टिव का सीरीज चल रहा है। इसमें आप लोग फर्स्ट जो है हम 1 से लेकर 80 तक डिस्कशन कर चुके हैं। ये सीरीज आपको 7 सीरीज जो है ना 8 सीरीज कंप्लीट हो गया, ये 9वां सीरीज आपका चल रहा है। इसके बाद 10वां सीरीज चलेगा जिसमें हम 1 से लेकर 100 तक क्वेश्चन तक का इसको हम डिस्कशन करेंगे। ये आपको 81 क्वेश्चन है, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है। इससे पिछले यदि स्लाइड आप देखना चाहते हैं तो इससे पिछले स्लाइड में हम जो है टोटल ये सब क्वेश्चन जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है ये सब हम करा चुके हैं। तो आज हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 81 से कराएंगे, क्योंकि 80 तक हम क्लियर कर चुके हैं। 81 से हम इसको शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आपको कह रहा है जो इतना का माध्य ज्ञात करना है। माध्य ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, माध्य ज्ञात करने के लिए देखिए हम क्या करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो है ना जो भी माध्य ज्ञात करने का नियम है, जो भी आपको डाटा या आंकड़ा दिया हुआ है उसको क्या करेंगे हम आरोही अवरोही क्रम में सजाते हैं, या तो आरोही में सजाएंगे या अवरोही में सजाते हैं। इन दोनों में सजाने के बाद हम क्या करते हैं, दो इसका रूल है आप लोग याद रखिएगा। एक होता है विषम संख्या, यानी कि संख्या यदि आपके पास ये संख्या मान लेते हैं n है आपको, n इक्वल टू है को, एक होता है सम आपको, n इक्वल टू यदि सम है और n इक्वल टू यदि विषम है, तो दोनों केस का अलग अलग जो है ना माध्यक निकलता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम चर्चा कर लेते हैं सम पर। आपको देखिए 1, 2, 3, 4, 5 यानी कि इसमें 5, यानी कि n बराबर यहाँ पे आपको 5 दिया हुआ, ये तो आपको विषम संख्या हो गया। हम दोनों जो है पॉइंट पर डिस्कशन कर लेते हैं, यदि सम संख्या रहेगा तब कैसे माध्यक निकलेगा और विषम संख्या रहेगा तब कैसे माध्यक निकलेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम n बराबर सम संख्या बड़ी कर लेते हैं। n बराबर सम संख्या यदि रहता है तो पहले हम क्या करेंगे, n जो भी है आपको n बटे 2a, यानी कि जो भी n आपको दिया हुआ है वो n बटे 2a पद लेंगे प्लस एक आ जाएगा आपको n बटे 2 प्लस 1, ये दोनों में पद, यानी कि जो पद आपको n बटे 2a पद प्लस n बटे 2 प्लस 1 में पद, इन दोनों का हम क्या निकालते हैं माध्य निकालते हैं। ये आपको विषम संख्या सम संख्या के लिए, ये सम संख्या का आपको रूल हो जाएगा ये सम संख्या। अब विषम संख्या के लिए हम क्या करते हैं, विषम संख्या के लिए हो जाता है आपको n बटे 2 में प्लस 1, इसमें 1 कर दीजिए, ये जो पद होता है ये पद आपको क्या हो जाता है, ये पद आपको विषम संख्या के लिए माध्यक हो जाता है। मान लीजिए यहाँ आपको n का मान क्या दिया हुआ है, विषम दिया हुआ है, तो पहले इसको क्या करेंगे आरोही अवरोही क्रम में सजाते हैं। तो पहले हम क्या करते हैं बढ़ते क्रम में सजा लेते हैं, बढ़ते क्रम को आप क्या कर सकते हैं अवरोही क्रम, यानी कि आरोही देखिए होता है आरोही जो है बढ़ते क्रम होता है, सॉरी यहाँ पे आरोही जो होता है ये आपको बढ़ते क्रम हो जाता है और अवरोही जो है अवरोही आपको क्या हो जाता है घटते क्रम होता है। अवरोही आप लोग जानते होंगे क्या होता है, ये आपको जो है ना घटते क्रम होता है। तो पहले हम या तो जो आपको मन में इच्छा कर रहा हो वैसा आप सजा सकते हैं, या तो आरोही में सजा लेंगे या अवरोही में। तो आरोही में सजा लेते हैं, मान लेते हैं बढ़ते क्रम में सजा लेते हैं, पहले 2 लिख लेते हैं, यहाँ पे 2 आ गया, उसके बाद क्या आएगा 3 आएगा, उसके बाद आपको 5 आएगा, उसके बाद 8 आएगा और 8 आएगा। तो हमारा n बराबर यहाँ पे क्या है, n बराबर हमको 5 निकला है और 5 क्या है हमारा विषम है, 5 क्या है विषम संख्या है। विषम संख्या का क्या है n बटे 2 है प्लस 1, तो n बटे 2 n प्लस 1 बटे 2 यानी कि n प्लस 1 बटे 2 2वें पद होगा, यानी कि यहाँ हो जाएगा आपको n प्लस 1 बटे 2वें पद होगा, समझ रहे बात को, तो n प्लस 1 तो n प्लस 1 ये क्या हो जाएगा n का मान 5 है प्लस 1 करेंगे बटे 2, इसको हम लिखेंगे 6 बटे 2 यानी कि तीसरा पद, ये जो हमारा तीसरा पद होगा ये तीसरा पद इसका क्या और निकलेगा माध्यक निकल जाएगा। तो 1, 2, 3 ये तीसरा पद हो गया, हमारा माध्यक क्या हो जाएगा ये 5 हो जाएगा, इसका राइट आंसर आपको 5 निकल गया। यानी कि यहाँ जो आपको विषम संख्या के लिए याद रखना है, विषम संख्या के लिए आपको याद रखना है n प्लस 1 बटे 2वां पद, क्या लिखना है n प्लस 1 बटे 2वें पद जो होता है ये पद आपको क्या कहलाएगा, ये पद आपको हो जाएगा विषम संख्या के लिए। और सम संख्या के लिए आपको मान लेते हैं सब उधर एक क्वेश्चन आपको ड्रॉ कर लेते हैं, यहाँ पे मान लीजिए 7 है, उसके बाद आपको 8 है, उसके बाद आपको फिर से 7 ले लेते हैं, उसके बाद आपको 3 है, उसके बाद 2 है, उसके बाद आपको 5 है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 यानी कि सम संख्या हो गया। तो अब इसको आरोही अवरोही क्रम में सजाइए, तो पहले आपको 2 आएगा, उसके बाद आपको क्या आएगा 3 आएगा, उसके बाद आपको 5 आएगा, 5 के बाद आपको क्या बच गया, 5 के बाद आपको आ जाएगा
सेवन आएगा, दो बार सेवन है, दो बार सेवन के बाद आपको आ जाएगा एट। तो इसमें देखिए अब 1 2 3 4 5 6 यानी कि एन बराबर आपको क्या निकल गया है, सिक्स निकल गया, एन का मान क्या निकल गया, सिक्स निकल गया। तो एन एन विषम सम संख्या के लिए एन बटा टू ए पद, इसका आधा कीजिएगा तो क्या आएगा, ये पद आएगा, और एन प्लस वन में टू प्लस वन यानी कि इन दोनों का, ये बीच में जो दो टर्म आता है विषम सम संख्या के लिए, उसका दोनों का योग करके उसका हम क्या माध्य निकालते हैं, यानी कि डिवाइड दो से करते हैं तब वो उसका माध्यक निकलता है। तो हम यहाँ पे विषम संख्या का माध्यक निकाल रहे थे, तो ये ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी होगा। तो वो हम सम संख्या के लिए बताए थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको 82 देखिए आपको कह रहा है इसका बहुलक निकालना है। बहुलक में जो भी आपको आंकड़ा या डाटा दिया हुआ रहता है तो उसको हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल उसमें जो जिसकी बारंबारताएं सबसे ज़्यादा रहता है, बारंबारताएं मतलब जो संख्या बहुत बार आया है यानी कि 3 बार 4 बार 5 बार 8 बार यानी कि मैक्सिमम जो बारंबारता जिसकी होती है वही क्या होती है, बहुलक होती है। इसमें देखिए आपको 5 जो अकेले है, 3 देखिए 1 2 3 4 यानी कि आपको 1 2 3 4 बार आ गया, तो इसका बहुलक क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर, यानी कि इसका बहुलक क्या हो जाएगा, 3 आ जाएगा, क्योंकि ये जो आंकड़ा आपको दिया हुआ इस आंकड़ा में सबसे ज़्यादा कौन आया है, 3 आया है, तो 3 इसका क्या हो जाएगा, बहुलक हो जाएगा, समझ रहे बात को। तो बहुलक के लिए याद रखिए जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होती है वही क्या होती है, बहुलक होती है। नेक्स्ट देखिए आपको ऑप्शन है आपको 83 देखिए कह रहा है वर्ग अंतराल 10 से लेकर 20 का वर्ग चिन्ह क्या होगा। वर्ग चिन्ह का फॉर्मूला आपको हम बताए हुए होंगे, यदि आपको सांख्यिकी चैप्टर 14 यूनिट पढ़े होंगे इसी चैनल पर, तो वर्ग चिन्ह बराबर हम आपको फॉर्मूला बताए थे। तो वर्ग चिन्ह बराबर क्या होता है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट और डिवाइडेड बाय 2। तो अपर लिमिट आपको 10 है और प्लस लोअर लिमिट यानी कि अपर निम्न सीमा और उच्च सीमा, निम्न सीमा आपको 10 है, उच्च सीमा आपको 20 है, डिवाइड 2 से करना है। तो 20 10 30 हो जाएगा, डिवाइड 2 करेंगे तो 15, इसका जो है ना वर्ग चिन्ह हमको क्या निकल जाएगा, 15 निकल जाएगा, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 84 आपको क्या कर रहा है, वर्ग अंतराल 5 से 10 10 से 15 15 से 20 के वर्गों की लंबाई आपको ज्ञात करना है। इसका वर्गों की लंबाई आपको ज्ञात करना है यानी कि वर्ग की लंबाई आपको क्या दिया हुआ है, यानी कि इसका वर्ग अंतराल यदि हम देखेंगे तो कितना का है, यानी कि 15 - 10 करते हैं तो 5, यानी कि वर्गों की लंबाई कितनी है, 5 का जो है अंतराल दिया हुआ है, तो यही क्या होता है, वर्गों की लंबाई हो जाती है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपको, ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर आपको 85 में देखिए आपको क्या करना है, इसको आपको सॉल्व करना है, जो ये सॉल्व करके आपको क्या आएगा। तो पहले सेक ए का फॉर्मूला हम क्या जानते हैं, 1 बटा cos A होगा, 1 बटा cos A प्लस 10A का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, साइन ए बटे आपको क्या हो जाएगा, कॉस ए हो जाएगा। इसमें मल्टीप्लाई हमको क्या किया हुआ, इसको मल्टीप्लाई किया हुआ है आपको 1 - sin A से किया हुआ है, समझ रहे बात को। यदि यहाँ पे बीन का जोड़ हम करेंगे तो क्या आएगा, कॉस ए आएगा LCM, यहाँ पे आ जाएगा 1 + sin A। तो अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ऊपर में मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 - sin A। तो अब देखिए यहाँ पे एक फार्मूला आपको दिख रहा होगा, a+b × a-b, तो a² - b² तो 1 - sin² ये हो जाएगा, और 1 - sin² A को आप क्या लिख सकते हैं, 1 - sin² A को cos² A लिख सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं sin² A + cos² A बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे देखिए cos A है, यानी कि ऊपर में आपको 2 cos A है और नीचे में 1 है, तो स्क्वायर से 1 कट जाएगा, बचेगा क्या आपको, सिर्फ cos A बचेगा। तो यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इस तरीका से आप ट्रिगोनोमेट्री सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। जो भी कमेंट बॉक्स में दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में लिखिए, या हम सॉल्यूशन करेंगे। जो भी आपको समझ में ना आ रहा हो या सिंपल लॉजिक आपको फॉर्मूला याद रखना है जिससे आपको क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 86 आपको क्या करा है, 5 संख्याओं का माध आपको 18 दिया हुआ है, यदि एक संख्या हटा लिया जाए, मान लीजिए 5 संख्या का माध आपको कितना दिया हुआ है, 18 दिया हुआ है, यदि इनमें से एक संख्या हम क्या करते हैं, नीचे निकाल लेते हैं यानी कि उसमें से माइनस कर देते हैं, तो माध क्या हो जाता है, 16 हो जाता है। हटाई गई संख्या आपको निकालना है, मान लीजिए 5 संख्या का माध हम निकालेंगे 18 मल्टीप्लाई में 5 करना है, क्योंकि 5 संख्या का माध 18 × 95 हो गया। अब कह रहा है इसमें से 5 संख्या में से एक संख्या हम हटा लेते हैं, संख्या कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, उसका माध क्या हो गया, 16 हो गया, 16 × 4 = 64। अब हटाई गई संख्या क्या हो जाएगा, इनमें से माइनस कर देंगे इसको हम, तो यहाँ आ जाएगा आपको 6, यहाँ क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, उसके बाद यहाँ क्या बचेगा, 8 में से आपको 6 हो गया और यहाँ पे आपको 2 आ जाएगा ना, तो 26 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये था आपको 86। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 87। बहुलक सामान्यतः वह चरमान होता है जिसकी बारंबारताएं क्या होती है, जस्ट अभी हम आपको बताए थे बहुलक जो आपको एक डाटा दिया हुआ था उसमें बहुलक क्या होता था, बहुलक उसमें होता था आपको जो भी संख्याएं आपको मैक्सिमम बार आया, दैट इज कॉल्ड
बहुलक, वही आपका क्या गलत है, बहुलक गलत है, यानी कि जिसकी बारंबारता क्या हो सर्वाधिक हो, यानी कि सबसे कम हो बारंबारता का कुल योग, या इनमें से कोई नहीं था। राइट आंसर क्या हो जाएगा, जिसके बारंबारता आपको बहुतों बार आया है, मैक्सिमम बार आया है, तो वही क्या कहलाएगा, बहुलक कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आपको कह रहा है 88 देखिए कह रहा है, निम्नलिखित आंकड़ों को बढ़ते क्रम में लिखना है। जो भी आपको बढ़ते क्रम में लिखा गया है, इसकी माध्यिका आपको 35 दिया हुआ है, आपको एक्स का मान ज्ञात करना है। तो बढ़ते क्रम में ऑलरेडी दे चुका है, यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि n का मान क्या दे दिया है आपको, 10 दे दिया है। तो सम है, तो सम के लिए हम क्या कंडीशन बताए थे, माध्यक जो निकालेंगे, तो ये 10 जो है, तो 10 बटे 2 टू वहां पद प्लस, इसके बाद जो 10 बटे 2 वहां पद प्लस 10 बटे 2 प्लस 1 वहां पद, इन दोनों का जो हम क्या करते हैं, माध्य जो निकालते हैं, वही क्या कहलाएगा, माध्यक कहलाता है। ये आपको 35 के बराबर हो जाएगा। अब देखिए 10 बटा 2, इसका 10 बटा 2 है पद, ये 10 बटा 2 करके 5 नहीं लिखना है, तो ये पद है, यानी कि 10 बटा 2 है पद लिखना है, और यहाँ भी आपको 10 बटा 2 है पद लिखना है। तो यहाँ देखिए 10 बटा 2, यानी कि आपको पांचवा पद देखिए 1 2 3 4 5, यानी कि 34 बच गया, प्लस 34 में पद प्लस, उसके बाद देखिए 10 बटे 2 प्लस 1, यानी कि प्लस में x करना है आपको, प्लस में x डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यहाँ आपको 35 दिया। अब हल करके आपको x का मान फाइंड आउट करना है, समझ रहे बात को। तो 10 बटे 2 में पद प्लस 10 बटे 2 प्लस 1 में पद, इन दोनों का हम क्या 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 करते थे, माध्य निकालते थे, वही आपको क्या होता था, माध्यक होता था। तो अब जो यहाँ करेंगे तो 35 दूना 70 हो गया, बराबर 34 प्लस x। अब जो यहाँ पे x का वैल्यू निकालिएगा, तो x बराबर क्या निकलेगा, 70 माइनस 34, 74 में से आपको 34 को घटाएंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पे आपको बच जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा 70 माइनस 34, यानी कि एक कम है, यानी कि 35 बचता है, यदि 35 रहता तो क्या हो जाएगा, 36 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या निकलकर आ जाएगा, इसका राइट आंसर आपको 36 ऑप्शन नंबर डी आएगा, समझ रहे बात को। तो ये था आपको 88। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 88 के बाद आपको है 89 देखिए आपको कह रहा है, साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है प्लस 1 है। तो इसको आप कैसे लिखते हैं, साइन थीटा बटे आपको कॉस थीटा, बराबर याद होगा क्या होता है, टेन थीटा होता है। तो ये आपको स्क्वायर के फॉर्म में, तो स्क्वायर में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपको टेन स्क्वायर ए प्लस 1, टेन स्क्वायर ए प्लस 1 क्या होता है, सेक स्क्वायर ए के बराबर होता है। ये आपको फॉर्मूला से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव बनाया गया है, तो याद रखिएगा, इस प्रकार आपसे पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90 जो है वीडियो का लास्ट, इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन कह सकते हैं, सम बेलन का संपूर्ण प्रेक्षेत्रफल। देखिए 2πrh क्या होता है, यहाँ देखिए πr² इधर, ये आपको आयतन हो जाएगा, 1/3πr² ये भी आयतन है, किसका है, ये आपको जो है किसका है, ये आपको शंकु का आ जाएगा, ये शंकु का जो आयतन है, ये आपको बेलन का आयतन है, उसके बाद ये 2πrh क्या है, पृष्ठ क्षेत्रफल है, तो लेकिन पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल है पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन था। जुड़े रहे इस चैनल के साथ, खुश रहे, मुस्कुराते रहे और पढ़ते रहे। थैंक यू सो मच फॉर दिस वॉचिंग। जो भी चैनल पर नए जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर दिस वॉचिंग।